एक तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी क्लियर करके चलने की ज़रूरत है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जितने प्रश्नों के कांटेक्ट में आ रहा हूँ, जितनी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जब से यूट्यूब का एक शुरू हुआ मामला, तब से चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो लोग मेरे पास आ रहे थे रेगुलर, वो लोग अब अलग तरह से बातें करते हैं, अलग तरह की बातें पूछते हैं। तो अब मेरे पास हर तरह का प्रश्न आता है, मैं लेता भी हूँ ज़्यादातर। मैंने कहा है कि यूँ भी कोई पूछता है, चाहे व्हाट्सएप पे कृष्णा जी की तरफ पूछ ले या ऐसे, तो अगर देने लायक जवाब होता है जहाँ तक संभव तो मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते हुए क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा जंगल भी पैदा हुआ है, जिसमें लोगों के अंदर तमाम तरह के कन्फ्यूजन हैं, तमाम तरह की मिसकंसेप्शंस हैं। आजकल उन पे डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आध्यात्मिक अनुभवों के नाम पर जो चीज़ें हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जिनको लोग समझते हैं और उनको लेकर भी जो परेशानी पैदा हो जाती है, चाहे वो कुंडलनी के अनुभव हों, चाहे वो तमाम तरह के चक्रों के अनुभव हों, तमाम तरह की रोशनी दिखने के अनुभव हों, इन सबको भी बहुत ही कूल माइंड से, यानी बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत शांति से समझने की ज़रूरत है। आप अगर नहीं समझेंगे तो उसमें तो तमाम तरह के आपको आंसर मिलेंगे, तमाम तरह के बातें कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। मैंने हमेशा कहा कि एक सीकर को एक क्वेश्चन फंडामेंटली करना चाहिए अपने आप से कि इससे मुझे क्या मिलेगा या इससे मुझे क्या मिल रहा है। राइट नाउ हमें इससे अभी क्या मिल रहा है या इससे हमें क्या मिलेगा या जो हमने किया उससे क्या मिला है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक हम नहीं पूछेंगे अपने आप से तब तक बहुत सारा मिसकंसेप्शन चलेगा। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के नाम पर ज़्यादा चलता है क्योंकि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता आपको वेरीफाई करने का। अपने आप कहेंगे कि ये कुंडलनी जाग गई, आप कहेंगे ये चक्रों में हमारे सक्रियता हो गई, ये वो चीज़ हो गई, तमाम तरह की बातें। अब मेरे लिए दुविधा ये होती है कि ना तो वो चीज़ें पूरी तरह, ये सब्जेक्ट जो हैं कुंडलनी चक्र एनर्जीज के, पूरी तरह बेकार भी नहीं कि इनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाए, जो कि एक अप्रोच हो सकती है उनसे बचने का तरीका, कि तो मुझे उन पर बोलना भी पड़ता है और उनको संभालना भी पड़ता है और उनसे जो मिसकंसेप्शन बन रहे हैं उनको भी सामने रखना पड़ता है। और इसमें काफ़ी अनुभव के बाद, तमाम लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद, बस ये मेरे हाथ तक इतना सीधा सा क्वेश्चन आया है कि बस जैसे ही आप ये पूछते हैं कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, आप तुरंत सेटल्ड होने लगते हैं। जैसे कि आप कहें कि ये हुआ, तो मैं पूछूं पीस ऑफ माइंड आ गई, आपको नहीं आई। लाइफ में सेटलमेंट आ गया, को नहीं आया, तो सारी चीज़ फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। उस चीज़ का एंड रिजल्ट तो पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी, लाइफ में स्पॉन्टेनियस मोमेंट, ये सब ज़रूरी है। ये इसका आना